जोहार फ्रेंड्स, मैं रश्मि सिंह आप सभी का आधार ICS यूट्यूब चैनल पर हार्दिक अभिनंदन करती हूं। आप लोग के लिए मैं अभी करंट अफेयर सेक्शन लेकर आई हूं, जो कि आपके जितने भी झारखंड से रिलेटेड एग्ज़ाम है, चाहे वो झारखंड SSC हो, 11th JPSC हो या झारखंड CDP हो, उन सभी के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इसमें कुछ पार्ट सेक्शन वाइज डिवाइडेड हैं जो कि आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। फर्स्ट पार्ट आपका आता है जो डेली का करंट अफेयर होता है, जो ड्यूरिंग 1 ईयर में हुआ है, वो सारा का डिटेल आपको पढ़ना है। नेक्स्ट आपका आ जाता है फेमस पर्सन्स, जो भी पर्सन्स न्यूज़ में रहे हैं 2022-23 के, उनके बारे में आपको डिटेल पढ़ना होता है। नेक्स्ट है फेमस प्लेसेस, उसके बाद जो अवार्ड्स या रिवॉर्ड्स दिए गए हैं झारखंड गवर्नमेंट की तरफ से या इंटरनेशनल लेवल पे, स्टेट लेवल, नेशनल लेवल, इंटरनेशनल लेवल, जितने भी अवार्ड्स हैं उन सारे के बारे में आपको पढ़ना है। जो भी झारखंड सरकार के द्वारा फेमस योजनाएं या प्लानिंग लॉन्च हुआ है, फेमस ऐप्स हुआ है, फेमस इंडेक्स रिपोर्ट, जो नीति आयोग के द्वारा कौन सा इंडेक्स रिपोर्ट आया है, वो सारे इंडेक्स रिपोर्ट में झारखंड का क्या रैंकिंग है या इंडिया का क्या रैंकिंग है, उन सब के बारे में आपको इस करंट अफेयर सेक्शन में पढ़ने को मिलेगा। ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट आपका है 14th एशियन लॉन बॉल चैंपियनशिप। मलेशिया में आयोजित 14वीं एशियाई लॉन बॉल चैंपियनशिप में भारतीय महिला टीम ने मलेशिया को 17-16 से हराकर गोल्ड मेडल जीता है। ये क्यों इम्पॉर्टेंट है आपके लिए? क्योंकि इसमें गोल्ड मेडल जीता है। ये गेम क्या था? एशियाई लॉन बॉल चैंपियनशिप में भारतीय महिला टीम ने मलेशिया को, किसको हराया? मलेशिया को हराया है, 17-16 से गोल्ड जीता है। भारत की टीम में रूपा रानी तिर्की, लवली चौबे, पिंकी कुमारी और नयन मोनी शैकिया शामिल थी। तो ये जो प्लेयर्स हैं इनके नाम आपको याद रखने हैं, रूपा रानी तिर्की, लवली चौबे, पिंकी कुमारी, नयन मोनी सैकिया। तो इसमें क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि आपको प्लेयर्स के नाम दे दिया जाएगा और ये किस गेम से रिलेटेड है या ये पर्सन्स क्यों फेमस है या क्यों न्यूज़ में रही, इस टाइप से क्वेश्चन इसमें पूछा जाएगा। इनमें रूपा रानी तिर्की और लवली चौबे झारखंड की रहने वाली हैं। इनमें जो दो इम्पॉर्टेंट पर्सन हैं, रूपा रानी तिर्की और लवली चौबे, ये झारखंड की रहने वाली हैं। ये एशियाई लॉन बॉल चैंपियनशिप में भारत का चौथा और विमेंस फोर्स इवेंट का दूसरा पदक है। इसमें इंडिया का 4th मेडल है और झारखंड के लिए 2nd गोल्ड मेडल है। तो ये आपको इसलिए भी इम्पॉर्टेंट है, एशियाई लॉन बॉल चैंपियनशिप इसमें भारत का चौथा है, इंडिया का जो रैंकिंग है, नेशनल रैंकिंग जो है 4th है, विमेंस फोर्स इवेंट का दूसरा पदक है और जो विमेंस फोर्स इवेंट है इसका ये 2nd मेडल है। भारतीय महिला टीम ने सेमीफाइनल में हांगकॉन्ग को 14-11 से पराजित किया। फाइनल टीम में इन लोगों ने, इंडियन टीम ने हांगकॉन्ग को 14-11 से हराया था। तो इसमें जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसमें ये इम्पॉर्टेंट है कि जो दो प्लेयर झारखंड से हैं उसके बारे में आपको पढ़ना है। जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, दो प्लेयर जो हैं वो झारखंड से हैं। ये दोनों कौन है? लवली चौबे और रूपा रानी तिर्की। नेक्स्ट पॉइंट है आपका झारखंड वुमेन क्रिकेटर से रिलेटेड है। नेक्स्ट पॉइंट आपका 25 वर्षीय बिग हिटर अश्विनी कुमारी विस्फोटक बल्लेबाजी के अलावा अपनी तेज गेंदबाजी के लिए भी जानी जाती है। जो अश्विनी कुमारी हैं ये बैट्समैन भी हैं और बॉलर भी हैं। गुजरात जायंट्स टीम ने अश्विनी पर 35 लाख रुपए की बोली लगाई थी और यह जमशेदपुर की गोविंदपुर की रहने वाली है। ये कहाँ की रहने वाली है? जमशेदपुर डिस्ट्रिक्ट के गोविंदपुर की रहने वाली है। तो ये क्या है? वुमेन क्रिकेटर हैं ये। 25 वर्षीय बिग हिटर अश्विनी कुमारी, क्रिकेटर का नाम क्या? अश्विनी कुमारी। ये अपने मतलब कि बैटिंग और बॉलिंग दोनों के लिए जानी जाती हैं। गुजरात जायंट्स की टीम ने, मतलब गुजरात जायंट्स टीम जो है, इन्होंने इसको कितने पे बोली लगाई थी? 35 लाख रुपए की बोली लगाई थी। तो ये फेमस क्रिकेटर है फ्रॉम झारखंड और झारखंड में कहाँ से रहने वाली है? जमशेदपुर से रहने वाली है। इसलिए आपको याद रखना है, जितने भी प्लेयर्स हैं झारखंड के, आप उनके गेम से रिलेटेड जो भी मेडल है या जो भी प्राइज मनी उनको मिला है वो आप उसको याद कर लीजिए या एक जगह नोट डाउन कर लीजिए, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कभी कभी आपको पर्सन्स का नाम दे दिया जाता है और पूछा जाता है कि ये किस लिए फेमस थी ड्यूरिंग 2022-23। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है आपका
न्यू डीजीपी अजय कुमार सिंह, ये नए डीजीपी बनाए गए हैं। भारतीय पुलिस सेवा में 1989 बैच के अधिकारी अजय कुमार सिंह झारखंड के नए डीजीपी नियुक्त किए गए हैं। पूर्व में आईपीएस अजय कुमार सिंह झारखंड पुलिस हाउसिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड के अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक थे। इनसे पहले ये क्या थे? झारखंड पुलिस हाउसिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड के अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक थे। इसके अलावा वे भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के डीजी का अतिरिक्त प्रभार भी संभाल रहे हैं। तो ये क्यों इम्पोर्टेंट है? ये अभी अजय कुमार सिंह जो है झारखंड के नए डीजीपी बनाए गए हैं, जो प्रेजेंट के डीजीपी हैं वो अभी अजय कुमार बनाए गए हैं। इनसे पहले ये क्या कर रहे थे? पुलिस हाउसिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड के अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक थे। इसके अलावा वे भ्रष्टाचार करप्शन जो है भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के डीजी का अतिरिक्त प्रभार भी संभाल रहे थे। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है आपका, ये सब आप फेमस पर्सन्स में भी एक एक बार रिविज़न करेंगे। आपका जो फेमस पर्सन वाला टॉपिक आएगा तो उसमें भी ये आपको रिविज़न करने को मिलेगा। नेक्स्ट पोर्शन है आपका संजय कुमार मिश्रा, झारखंड चीफ जस्टिस। संजय कुमार मिश्रा को झारखंड के नए चीफ जस्टिस बनाया गया, ये आपने पहले भी पढ़ा है तो भी एक बार फिर से आप देख लीजिए, उसमें आपका क्या हो जाएगा? रिविज़न हो जाएगा। कि क्योंकि इलेवंथ आवर रिवीजन होता है, जो आपका जैसे कि एग्ज़ाम होगा उसके टाइम में आप एक एक पर्सन को रिवीजन नहीं कर पाएंगे। जो आपका थर्ड पेपर है जीएस पेपर थ्री में जैसे आपको बहुत सारा कुछ पढ़ना है, तो आपको मैथ्स रीजनिंग है, कंप्यूटर है, 40 क्वेश्चन फ्रॉम झारखंड स्पेशल है, जीएस है, साइंस एंड टेक है, तो ये सारे चीज़ में आप करंट इतने मतलब इतना डीप एनालिसिस करके रिवीजन नहीं कर पाएंगे। तो अभी अगर आपके पास टाइम है तो अभी आप करंट पे फोकस करके देन एंड देयर जितना भी इम्पॉर्टेंट टॉपिक है वो अभी के अभी ख़त्म कर दीजिए तो ज़्यादा बेटर है। क्योंकि उस समय आपको बहुत सारा चीज़ पढ़ना हो जाएगा। पेपर वन पेपर टू पे भी आप फोकस करेंगे क्योंकि हिंदी इंग्लिश में आपको पासिंग एटलीस्ट पासिंग मार्क्स लाना है, इम्पॉर्टेंट है। पेपर टू में आप जितना अच्छा स्कोर करते हैं उतना अच्छा आपको रैंकिंग मिलेगा। पेपर टू में आपका जो भी लैंग्वेज पेपर होगा, हिंदी इंग्लिश संस्कृत खड़िया कुरमाली जो भी लैंग्वेज होगा उसमें आपको ज़्यादा फोकस करना है, तो आप करंट अफेयर पे उस समय में भी टाइम नहीं दे पाए। तो अभी जितना आपके पास सफिशियंट टाइम है उसको आप करंट अफेयर सेक्शन में लगा सकते हैं। और ये सिर्फ करंट अफेयर नहीं, इसमें अगर आप डेली ये रिविज़न कर रहे हैं तो आप इसमें देखेंगे कि आपका झारखंड स्पेशल भी कुछ टॉपिक कवर हो रहा है। ठीक है, कमिंग टू द पॉइंट, आपका नेक्स्ट पॉइंट था न्यायमूर्ति संजय कुमार मिश्रा ने 20 फरवरी 2023 को झारखंड हाई कोर्ट के 14वें मुख्य न्यायाधीश पद की शपथ ली। न्यायमूर्ति संजय कुमार मिश्रा ने कब ली है शपथ? 20 फरवरी 2023 को झारखंड हाई कोर्ट के 14वें मुख्य न्यायाधीश पद की शपथ ली है। मतलब झारखंड के जो चीफ जस्टिस बनाए गए हैं संजय कुमार मिश्रा जी, उन्होंने शपथ कब लिया था? 20 फरवरी को, मतलब ये लेटेस्ट करंट अफेयर है। न्यायमूर्ति संजय कुमार मिश्रा 61 वर्ष के हैं। उत्तराखंड उच्च न्यायालय में वरिष्ठ न्यायाधीश थे। इससे पहले वो उत्तराखंड के जो हाई कोर्ट है उसमें वरिष्ठ न्यायाधीश थे। वे उड़ीसा के रहने वाले हैं, ये ऐसा नहीं कि ये झारखंड के रहने वाले, ये कहाँ के रहने वाले हैं? ये उड़ीसा के रहने वाले हैं। और 1987 में लॉ फैकल्टी दिल्ली विश्वविद्यालय DU से LLB पूरा करने के बाद बोलांगीर जिला अदालत से अभ्यास शुरू किया। तो इन्होंने कहाँ कहाँ से पढ़ाई की उनके बारे में पूरा डिटेल दिया हुआ है। ये उड़ीसा के रहने वाले हैं, इससे पहले वो उत्तराखंड के चीफ जस्टिस थे और अब कहाँ के बनाए गए हैं? अब झारखंड हाई कोर्ट के बनाए गए हैं। नेक्स्ट पॉइंट है आपका 10th नेशनल रेस वीक चैम्पियनशिप। ये भी एक चैम्पियनशिप है, इसमें आपको याद रखना है कब से कब ऑर्गेनाइज हुआ था। ये 14th फरवरी टू 15th फरवरी 2023, मतलब 14th फेब टू 15th फेब 2023 को रांची में 10वीं राष्ट्रीय रेस वॉक चैम्पियनशिप का आयोजन किया गया था। कौन सा चैम्पियनशिप था ये? 10वीं राष्ट्रीय रेस वॉक चैम्पियनशिप। इस दो दिवसीय आयोजन में कुल 6 राष्ट्रीय रिकॉर्ड बने। ये जो दो दिन का इवेंट था 14 से 15 फरवरी, इसमें टोटल 6 नेशनल रिकॉर्ड बनाया गया है। तो देखिए क्या कौन कौन सा रिकॉर्ड है जो इम्पॉर्टेंट है आपके लिए। आप जो भी करंट अफेयर पढ़ेंगे उसके लिए, मतलब जो भी स्टेट का एग्ज़ाम देंगे सभी के लिए करंट अफेयर ये इम्पॉर्टेंट है। जिसमें पहले दिन जहाँ अक्षदीप सिंह, सूरज पवार और प्रियंका गोस्वामी ने रिकॉर्ड बनाए, वहीं दूसरे दिन राम बाबू, जुनैद और मंजू ने राष्ट्रीय मतलब नेशनल रिकॉर्ड बनाया। इस चैम्पियनशिप में 35 किलोमीटर पुरुष वर्ग में उत्तर प्रदेश के राम बाबू ने गोल्ड,
ध्यान दीजिएगा इसमें गोल्ड किसने जीता है, जो कि उत्तर प्रदेश के यूपी के 35 किलोमीटर पुरुष वर्ग में और हरियाणा के जुनैद ने सिल्वर और उत्तराखंड के चंदन सिंह ने ब्रॉन्ज जीता है। तो गोल्ड किसने जीता है, यूपी के राम बाबू ने, हरियाणा के जुनैद ने सिल्वर मेडल जीता है और उत्तराखंड के चंदन सिंह ने ब्रॉन्ज मेडल जीता है। तो ये सारे नेशनल रिकॉर्ड बनाए हैं। नेक्स्ट आ जाते हैं वहीं 35 किलोमीटर महिला वर्ग में और जो विमेंस कैटेगरी था उसमें पंजाब की मंजू ने गोल्ड, उत्तराखंड की पायल ने सिल्वर और उत्तर प्रदेश की वंदना ने ब्रॉन्ज जीता है। तो फीमेल में, फीमेल कैटेगरी में कौन कौन ने जीता है, पंजाब की मंजू ने गोल्ड जीता है, याद रखिएगा गोल्ड जो है पंजाब की मंजू ने जीता है, उत्तराखंड की पायल ने सिल्वर और उत्तर प्रदेश की वंदना पटेल ने ब्रॉन्ज जीता है। और वही मेंस की कैटेगरी में आप देखेंगे तो जो यूपी के राम बाबू हैं उन्होंने गोल्ड जीता था और यहाँ ब्रॉन्ज जो जीती है वो यूपी की वंदना पटेल हैं। ठीक है, तो इस चीज़ को आप बार बार लिखकर रिवीजन करेंगे तभी आपको याद रहेगा। नेक्स्ट पॉइंट आपका आता है रक्षक ऐप। 10 फरवरी 2023 को झारखंड के सिमडेगा जिला समरानालय स्थित एसपी कार्यालय में, जो डीसी ऑफिस होता है उसमें, एसपी कार्यालय में एसपी सौरभ कुमार ने बिट पुलिसिंग के तहत रक्षक ऐप लॉन्च किया। एक ऐप का लॉन्च हुआ है जिसका नाम है रक्षक ऐप। बिट पुलिसिंग के तहत विभागीय स्तर पर झारखंड में सिमडेगा पहला जिला है जहां पर रक्षक ऐप लॉन्च किया गया है। तो आपको डिस्ट्रिक्ट का नाम याद रखना है, कौन सा डिस्ट्रिक्ट ये पहला डिस्ट्रिक्ट बना, सिमडेगा, जहां पर रक्षक ऐप का यूज़ किया गया है। और ये कब से ये ऐप लॉन्च किया गया है, 10 फरवरी 2023 को, मतलब 10 फरवरी 2023 में ये लॉन्च किया गया था। किनके द्वारा किया गया, सिमडेगा का जो डीसी कलेक्ट्रेट ऑफिसर है वहाँ पे सौरभ कुमार ने बिट पुलिसिंग के तहत रक्षक ऐप लॉन्च किया है। बिट पुलिसिंग के तहत विभागीय स्तर पर झारखंड के सिमडेगा पहला जिला है, ये झारखंड का पहला डिस्ट्रिक्ट बना है जहाँ इस तरीके का ऐप का लॉन्च हुआ है, जहाँ पर रक्षक ऐप लॉन्च किया गया। रक्षक ऐप का QR कोड लगाने के लिए जिले के सरकारी और गैर सरकारी संस्था के अलावा विभिन्न प्रकार के स्थलों का चयनित किया गया। QR कोड लगाने के लिए जो भी जिले के सरकारी, जो गवर्नमेंट और नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, दोनों के विभिन्न प्रकार के स्थलों का चयनित किया गया, मतलब दोनों प्लेसेस, जो गवर्नमेंट ऑफिसर्स हैं, गवर्नमेंट सेक्टर है वो भी और जो नॉन गवर्नमेंट है वो भी। रक्षक ऐप के माध्यम से जिले में क्राइम कंट्रोल की पुलिस को मदद मिलेगी, मतलब जितने भी क्राइम्स हो रहे हैं उसके लिए रक्षक ऐप क्या जो है बहुत हेल्पफुल है। इस एप्लीकेशन का उपयोग इमरजेंसी की स्थिति में किया जाएगा, जब इन केस ऑफ ऐसा कोई इमरजेंसी होगा तब इस ऐप का यूज़ किया जाएगा। एक बटन क्लिक करने पर यह एप्लीकेशन SMS को 4 अलग अलग नंबर पर भेजेगा और आपातकालीन नंबर पर वॉइस कॉल भी शुरू करेगा। ड्यूरिंग इमरजेंसी इसमें आप वॉइस कॉल भी हो सकता है इस ऐप में, और एक साथ 4 अलग अलग नंबर पर, जैसे कि ग्रुप होता है व्हाट्सएप ग्रुप या कोई ग्रुप होता है उसमें एक साथ मैसेज जाता है, उसी तरीके से इसमें 4 लोगों के कॉन्टैक्ट होंगे जिसमें आप एट अ टाइम मैसेज सेंड कर सकते हैं। तो आपको ये ऐप का नाम याद रखना, ऐप का नाम क्या है, रक्षक ऐप, और ये कहाँ पे स्टार्ट हुआ है, झारखंड के सिमडेगा डिस्ट्रिक्ट में। तो ये आपका इम्पॉर्टेंट है, डिस्ट्रिक्ट का नाम आपको याद रखना है कि कहाँ पे रक्षक ऐप का लॉन्च हुआ है, सिमडेगा डिस्ट्रिक्ट में हुआ है। नेक्स्ट पॉइंट आपका आता है सावित्री बाई फूले जो फेलोशिप है, चाइल्ड फेलोशिप अवार्ड, उसके बारे में आपको पढ़ना है। इसके बारे में आप पहले के वीडियोस देखेंगे, ज़्यादा पुराना नहीं, सेकंड थर्ड वीडियोस में आप देखेंगे तो इस जो योजना वाला सेक्शन है जिसमें प्लानिंग, गवर्नमेंट सेक्टर का प्लानिंग डिस्कस किया गया है, उसमें ये सावित्री बाई फूले जो स्कॉलरशिप है उसके बारे में डिस्कशन किया जा चुका है। फिर से एक बार मैं रिविज़न करा दे रही हूँ क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। सावित्री बाई ज्योतिराव फूले सिंगल गर्ल चाइल्ड फेलोशिप 2022-23 के लिए झारखंड की 8 लड़कियों का चयन हुआ है। ये सिंगल गर्ल चाइल्ड फेलोशिप है, सिंगल गर्ल चाइल्ड मतलब जो ओनली गर्ल है फैमिली में उसके लिए है, और ये झारखंड की 8 लड़कियों का, कितनी, 8 गर्ल्स का सिलेक्शन किया गया है। UGC द्वारा जारी सूची के अनुसार झारखंड की आर्या राज, अंशुका सतपति, अपर्णा गांगुली, कुमारी प्रियंका, नेहा चक्रवर्ती, प्रांजल साह, शिप्रा हर्ष,
व उहाशी आइन शामिल हैं। तो कितने 8 गर्ल्स जो हैं, 8 लड़कियों के नाम आपको याद रखने हैं जो कि UGC द्वारा जारी किया गया है, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा इनका नाम शॉर्टलिस्टेड है। ये आर्या राज, अंशुका सतपति, अपर्णा गांगुली, कुमारी पिंकी प्रियंका सॉरी कुमारी प्रियंका, नेहा चक्रवर्ती, प्रांजल शाह, शिप्रा हर्ष व उषाही आइन शामिल हैं। उल्लेखनीय है कि देश भर में कुल 1129 लड़कियों का चयन हुआ, मतलब टोटल 1129 गर्ल्स का सिलेक्शन हुआ, उसमें से 8 लड़की कहाँ की है, झारखंड की है। इस योजना के तहत लड़कियां घर में एकल हैं और उनकी शिक्षा को बढ़ावा देना और रिसर्च कार्य के लिए प्रोत्साहित करना, जो घर में अपने सिंगल हैं, एक ही लड़की है, उनको ये स्कॉलरशिप दिया जाएगा क्योंकि वह घर बैठे अपना जो स्कॉलरशिप है, रिसर्च वर्क है PhD के में, वो कंटिन्यू कर सके। फेलोशिप वर्ष 5 वर्ष के लिए दी जाएगी। ये जो फेलोशिप है UGC द्वारा कितने साल के लिए दिया जाएगा, 5 साल के लिए दिया जाएगा। फेलोशिप के तहत 31,000 प्रति माह दिए जाएंगे, हर महीना आपको 31,000 रुपीज दिया जाएगा। सीनियर रिसर्च फेलो को जो सीनियर है उनको 35,000 मिलेगा। इस योजना के तहत ह्यूमैनिटीज़ और जो मानविकी और सामाजिक विज्ञान है, ह्यूमैनिटीज सोशल साइंस के छात्राओं को अन्य खर्च के लिए जो अदर खर्च है उसके लिए 10,000 रुपये 2 वर्ष के लिए दिए जाएंगे। जो एक्स्ट्रा है उसके लिए आपको 10,000 2 साल के लिए मिलेगा तथा 25,000 शेष कार्यकाल के लिए दिए जाएंगे। और बाकी जो 2 वर्ष के लिए आपको दिया जा रहा है और बाकी का जो 3 साल है उसके लिए आपको 25,000 दिया जाएगा। वहीं जो साइंस एंड टेक की है, जो साइंस इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी बैकग्राउंड के स्टूडेंट है उनको 12,000, मतलब जो आर्ट्स बैकग्राउंड के थे उनको 10,000 दे रहे थे, और जो साइंस बैकग्राउंड के हैं जो साइंस में रिसर्च वर्क करेंगी उनके लिए 12,000 2 वर्ष के लिए तथा 25,000 शेष कार्यकाल के लिए दिया जाएगा। 2-2 साल के लिए 12,000 और बाकी के जो 3 साल बच जाते हैं उसमें 25,000 दिया जाएगा। दिव्यांग छात्रा को जो फिजिकली हैंडीकैप्ड हैं वैसे को पाठक सहायता के लिए प्रति माह 3,000 दिए जाएंगे। जो फिजिकली हैंडीकैप्ड हैं उनके साथ जो एक असिस्ट करेंगे उनको हर मंथ 3,000 रुपीस दिया जाएगा। तो ये सारा टर्म्स एंड कंडीशंस किसके लिए था, सावित्री बाई ज्योतिराव फुले सिंगल गर्ल चाइल्ड फेलोशिप जो है, जो कि UGC द्वारा स्टार्ट किया गया, उनके लिए था। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट में आते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है आपका सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी इन जमशेदपुर, बोकारो एंड धनबाद। 8 फरवरी 2023 को, ये सारा फरवरी का न्यूज़ है इसमें, 8 फरवरी 2023 को मीडिया से मिली जानकारी के अनुसार, अकॉर्डिंग टू मीडिया रिपोर्ट है ये, केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर उनके द्वारा जमशेदपुर, बोकारो, धनबाद, ये 3 जगह में सॉफ्टवेयर पार्क का गठन प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई है। कौन कौन से जगह में, जमशेदपुर में, बोकारो में और धनबाद में सॉफ्टवेयर पार्क का निर्माण होगा, इसकी जो परमिशन है वो सेंट्रल गवर्नमेंट से मिल गया है। गौरतलब है कि केंद्र सरकार देश के छोटे शहरों में डिजिटल संभावनाओं का विस्तार करना चाहती है, इससे युवाओं को डिजिटल अर्थव्यवस्था में भागीदारी बनाया जा सके। ये इसलिए क्यों किया जा रहा है, क्योंकि जो डिजिटल बिजनेस है उस चीज़ को बढ़ावा देने के लिए, इससे युवाओं को डिजिटल अर्थव्यवस्था में भागीदारी बनाया जा सकेगा। जो डिजिटल कॉमर्स, ट्रेड एंड कॉमर्स है उस चीज़ को प्रमोट किया जा सकेगा। इसके लिए छोटे शहरों में सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क की स्थापना की जा रही है। तो आपको ये याद रखना है कि कौन कौन से जगह में होगा, जमशेदपुर, बोकारो और धनबाद, तो ये 3 जगह में सॉफ्टवेयर पार्क बनाया जाएगा। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मंत्रालय के अधीन एक स्वायत्त संस्था सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क ऑफ इंडिया का गठन किया जा रहा है। तो ये इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड मिनिस्ट्री द्वारा एक सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क है ऑफ इंडिया का गठन किया जा रहा है। तो आपको 3 जगह का नाम याद रखना, कौन कौन सा है, जमशेदपुर, बोकारो और धनबाद, इन 3 जगह में सॉफ्टवेयर एंड टेक्नोलॉजी पार्क का फॉर्मेशन होगा। नेक्स्ट पॉइंट में आते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है आपका इन्फ्लुएंसर बुक अवार्ड। ये भी 8 फरवरी 2023 को झारखंड के गुमला जिले में, आपको डिस्ट्रिक्ट याद रखना है कहाँ पे, झारखंड के गुमला जिले के युवाओं द्वारा बनाए गए ऐप द जौहर झारखंड
और मुस्कुराइए आप गुमला में है। तो ये इस ऐप के बारे में आप पहले भी पढ़ चुके हैं जहां हम लोग ऐप और रिपोर्ट डिस्कस करते हैं उसमें। तो ये गुमला जो जिला के द्वारा जो गुमला जिला के स्टूडेंट है उनके द्वारा ये ऐप बनाया गया है और ऐप का नाम क्या है, द जौहार झारखंड और मुस्कुराइए आप गुमला में है। को इन्फ्लुएंसर बुक ऑफ अवार्ड रिकॉर्ड और उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय प्रतिष्ठा अवार्ड मिला है। तो इस चीज़ को अवार्ड दिया गया और अवार्ड का नाम क्या है, इन्फ्लुएंसर बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड। एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बुक का नाम है इन्फ्लुएंसर बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड और उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय प्रतिष्ठा अवार्ड मिला गया है। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग गुमला के सभागार में आयोजित समारोह में मुख्य अतिथि लोक अभियोजन AK पांडे, DPRO संजय कुमार और जिला प्रेस एसोसिएशन गुमला के महासचिव दुर्जय पासवान द्वारा युवाओं को प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया गया है। तो इसमें आपको क्या याद रखना है कि ये कहाँ पे ऐप बनाया गया, गुमला के युवाओं द्वारा, जो गुमला के यूथ हैं उन लोगों ने बनाया है और ऐप का नाम क्या है, द जौहार झारखंड एंड मुस्कुराइए आप गुमला में। इनको एक अवार्ड दिया गया, अवार्ड क्या है, इन्फ्लुएंसर बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड, एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बना है इन्फ्लुएंसर बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड और ये उत्तर प्रदेश में ये प्रतिष्ठित अवार्ड दिया गया है। बाकी जो अदर थिंग्स है, प्रमाण देकर सम्मान, एक सर्टिफिकेट देकर उनको सम्मानित किया गया है। साथ ही शून्य से शिखर तक नाम से गुमला का पहला फेसबुक डिजिटल क्विज कराया गया। वहाँ शून्य से शिखर तक नाम का एक फेसबुक क्विज ऑर्गेनाइज करवाया गया था। वहीं लाइव इंस्टाग्राम पेज द्वारा द जौहार झारखंड और मुस्कुराइए आप गुमला में कार्यक्रम स्टार्ट हुआ। एक इंस्टाग्राम पे लाइव पेज बना है जिसका नाम है द जौहार झारखंड और मुस्कुराइए आप गुमला में है, इस ऐसा फंक्शन स्टार्ट किया गया। इसमें सफल होने वाले प्रतिभागियों को पुरस्कृत किया गया है, मतलब क्विज कॉन्टेस्ट ऑर्गेनाइज किया गया था और जिसमें जो फर्स्ट सेकंड थर्ड रैंक आए हैं उन लोगों को प्राइज मनी भी दिया गया है। विजेता थे मोहम्मद दिलशाद, उमा सिंह, श्रेया पांडे, रंजू कुमारी, रवि कुमार रंजन, ऋषभ धीरज और शशिकांत को पुरस्कार दिया गया है। इसमें इम्पॉर्टेंट यही था कि कौन सा ऐप है और किसको सम्मानित किया गया। सॉरी, नेक्स्ट पॉइंट है आपका सात फरवरी 2023 को मीडिया से मिली जानकारी के अनुसार प्राकृतिक सुंदरता हॉकी तथा आदिवासी बाहुल्य जिले के रूप में जाने वाले सिमडेगा में आदि मानव की साक्ष्य मिले हैं। मतलब सिमडेगा में क्या है, जो अर्ली मैन थे ना उस समय के कुछ साक्ष्य मिले, मतलब एविडेंस मिला है, जैसे कि क्रो मैग्नन थे, नींडरथल थे, रामापिथेकस थे। तो उस टाइम के जो ह्यूमन सेपियंस से पहले वाले जो लोग थे उनका कुछ एविडेंस दिया गया है। कहाँ पर मिला है, सिमडेगा में मिला है। डॉक्टर अंशु माला तिर्की व बालेश्वर कुमार बेसरा ने जिले के कई स्थलों का भ्रमण कर आदि मानव द्वारा बनाए गए शैल चित्र ढूंढ निकाले, जो उस समय का पेंटिंग था वो ढूंढ निकाला गया है। ये शैल चित्र बीरू, बंगरू, घोसरा, छुरिया, पुरन पानी, कोलेबीरा के भंवर पहाड़ तथा जलडेगा के परबा जैसे स्थानों से मिले। तो आपको जो प्लेसेस का नाम दिया हुआ है वो याद रखना है, कहाँ कहाँ पे शैल चित्र कहाँ पे निकाले गए हैं, शैल चित्र बीरू, बंगरू, घोसरा, छुरिया, पुरन पानी, कोलेबीरा के भंवर पहाड़ तथा जलडेगा के परबा जैसे स्थानों से मिले। यह शैल चित्र मुख्यतः लाल व सफेद रंग से बनाए गए हैं। आपको याद रखना है कौन से कलर से बना हुआ है, रेड और वाइट। इन चित्रों में आखेट, मतलब हंटिंग दिया हुआ, आखेट, जंगली जानवर, डोमेस्टिकेशन व ज्यामिति आकृतियाँ मिली है। क्या क्या मिला है, हंटिंग का पिक्चर मिला है और एनिमल, जो डोमेस्टिकेटेड एनिमल से उसके और ज्योमेट्रिकल फिगर्स मिला है। तो आपको कहाँ ये याद रखना है कि ये कहाँ पे मिला है, सिमडेगा में मिला है। ऐसे क्वेश्चन BPSC और UPPCS में भी आता है कि जैसे कोई भी हिस्टोरिकल प्लेसेस है या हिस्टोरिकल एविडेंस मिला है तो किस स्टेट में मिला है, तो ये आपको स्टेट का नाम और जो एग्जैक्ट डिस्ट्रिक्ट है उसका नाम याद रखना है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका इफ्को नैनो यूरिया प्लांट इन देवघर।
4 फरवरी 2023 को केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री, नया मिनिस्ट्री एक बनाया गया सहकारिता विभाग। सहकारिता मंत्री कौन है? अमित शाह हैं। अमित शाह ने झारखंड के देवघर में स्थित विश्व के पहले इफको नैनो यूरिया प्लांट के 5वें संयंत्र का भूमि पूजन और शिलान्यास किया है। तो इसमें क्या है, ये झारखंड में पहला बना है और ये वर्ल्ड का पहला है। जैसे आप लोग पढ़ते हैं ना, फर्स्ट इन इंडिया, फर्स्ट इन वर्ल्ड, फर्स्ट इन झारखंड, फर्स्ट इन बिहार, तो ये वर्ल्ड का फर्स्ट इन वर्ल्ड है। क्या बनाया गया है? नैनो इफको यूरिया प्लांट, यूरिया का प्लांट बनाया गया जो कि नैनो टेक्नोलॉजी पे बेस्ड है। तो ये किनके द्वारा इसका शिलान्यास और भूमि पूजन किया गया? सहकार होम मिनिस्ट्री एवं सहकारिता विभाग जो है, इनके मंत्री कौन है? अमित शाह। तो अमित शाह के द्वारा झारखंड के देवघर में, कहाँ पर? देवघर में, विश्व के पहले इफको नैनो यूरिया प्लांट के 5वें संयंत्र का भूमि पूजन और शिलान्यास किया गया। ये वर्ल्ड का फर्स्ट है और झारखंड के देवघर में बना है और ये 5वां संयंत्र बना, मतलब 1, 2, 3, 4 और बन चुका है। केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने कहा कि नैनो यूरिया की देवघर इकाई बनाने से यहाँ प्रतिवर्ष लगभग 6 करोड़ तरल यूरिया की बोतलों का निर्माण किया जा सकेगा। ये बनने के बाद एटलीस्ट 6 करोड़, कितना? 6 करोड़ लिक्विड यूरिया जो होता है, तरल यूरिया, लिक्विड यूरिया का प्रोडक्शन किया जा सकेगा। इससे पहले आयत पर हमारी निर्भरता कम होगी, मतलब इससे पहले क्या कि बाहर से मंगवाना हो रहा था वो खत्म हो जाएगा और अपने ही कंट्री में इसका प्रोडक्शन होगा। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि 500 ग्राम, मतलब आधा केजी, 500 ग्राम की एक छोटी सी बॉटल यूरिया को पूरे एक बैग में विकल्प बनेगी, पूरे एक बैग का विकल्प बनेगी। मतलब ये ऑप्शनल एक बन जाएगा कि जो 500 ग्राम यूरिया था उसके बदले एक छोटा सा बॉटल जो होगा वो पूरे बैग का विकल्प बन जाएगा। केमिकल फर्टिलाइजर भूमि की उपस्थिति कुदरती खाद बनाने वाले केचुआ को मार देता है, वही तरल यूरिया का छिड़काव करने पर भूमि किसी प्रकार से विषाक्त नहीं होगी। जो केमिकल फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड्स हम लोग यूज़ करते हैं तो जो केचुआ था वो क्या हो जाते थे? वो मर जाते थे ड्यू टू कॉन्टामिनेटेड जो प्रोडक्ट होता था केमिकल्स की वजह से। लेकिन ये नेचुरल प्रोसेस से बनेगा तो इससे क्या होगा, केचुआ जो है वो नहीं मरेंगे। तो ये आपको याद रखना है कि ये कहाँ पर इसका बनाया गया है, झारखंड के देवघर में। नेक्स्ट पॉइंट आपका आता है, नेक्स्ट पॉइंट है पीडीएस एम्पावरमेंट इन झारखंड, जो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम होता है उसके बारे में पढ़ना है। 1 फरवरी 2023 को राज्य में अन्न के अधिकार से वंचित जरूरतमंद लाभुकों को राशन कार्ड उपलब्ध कराने की गति में तेजी लाने के लिए पीडीएस सशक्तिकरण का पखवाड़ा का आयोजन किया गया था। जो लोग ऐसे हैं, बिलो पॉवर्टी लाइन पीपल ऐसे हैं जिनके पास राशन कार्ड नहीं है या उनको राशन उपलब्ध नहीं कराया जा सक रहा, तो उस चीज़ को प्रमोट करने के लिए, उस चीज़ को बढ़ावा देने के लिए पीडीएस सशक्तिकरण पखवाड़ा, मतलब पीडीएस एम्पावरमेंट पखवाड़ा वीक जो होता है 15 दिन का जो होता है वो सेलिब्रेट किया जा रहा है। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के आदेश के बाद 1 से 14 फरवरी तक यह चलाया गया। कब से कब तक चला है? पूरे 15 दिन चला है, क्योंकि ये पखवाड़ा था, पीडीएस सशक्तिकरण पखवाड़ा 1 से 14 फरवरी तक चला है। किसके लिए चला गया है? वैसे जरूरतमंद, वैसे नीडी पर्सन जिनको राशन कार्ड की व्यवस्था नहीं है, जिनको जो राशन है वो नहीं मिल पा रहा, उनके लिए यह प्रोग्राम चलाया गया था। सशक्तिकरण पखवाड़ा के तहत राशन कार्ड में आधार सुधार संबंधित कार्य, जो भी आधार रिलेटेड मिस्टेक है, मैक्सिमम लोगों के आधार में मिस्टेक है तो वो मिस्टेक को सुधारना, एक व्यक्ति का कई राशन कार्ड में दर्ज नाम को हटाने की कार्रवाई, जैसे कि एक लोग के नाम पे 3-4 राशन कार्ड है या एक ही का बिहार में है, झारखंड में है, यूपी में है, तो इस तरीके का जो एक ही लोग बार बार नाम डाल रहे हैं उस चीज़ को कैंसिल करवाया गया है और सिर्फ 1 राशन कार्ड जो है वो बनाया गया है। राशन कार्ड में मृत व्यक्तियों के नाम को हटाना, जो अब नहीं रहे हैं उनको हटाना, अपवाद पंजी से खाद्यान्न प्राप्त करना और जो नए लोग आ गए हैं उनका नाम ऐड करना, अपवाद पंजी से खाद्यान्न प्राप्त करने वाले लाभुकों को चिन्हीकरण की कार्यवाही, डुप्लीकेट आधार संख्या पर सत्यापन, जो डुप्लीकेट हैं मतलब कि किसी का आधार कार्ड खो गया तो फिर से जो नया बन रहा है उसके लिए सर्टिफाई करना, पिछले 6 महीने या अधिक महीने से खाद्यान्न उठा नहीं खाने वाले लाभुकों पर भौतिक सत्यापन, दाल भात केंद्र के लाभुकों को दाल भात ऐप्स के माध्यम से भोजन और ऑफलाइन डीलर
को ऑनलाइन में परिवर्तन करने की कार्रवाई की जा रही। तो ये पूरा पीडीएस एम्पावरमेंट जो था वो क्या था, जिन लोगों को राशन नहीं मिल पा रहा या उनका आधार में प्रॉब्लम है या नाम में प्रॉब्लम है या उनका नाम और तीन चार जगह में दिया गया है, तो ये सारे में जो मिस्टेक्स थे उसको रेक्टिफाई करने के लिए ये 15 दिन का प्रोग्राम चला था। डुप्लीकेट आधार संख्या का सत्यापन, उसको सर्टिफाई करना पिछले 6 महीने या अधिक महीने से, जो खाद्यान्न मतलब जो राशन आपको मिल रहा है, जो दाल चावल चीनी ये सब मिल रहा है, वो अगर आप नहीं ले पा रहे हैं तो उसका भौतिक सत्यापन कराएं, मतलब कि आप वहाँ जाके जो आपके वार्ड कमिश्नर है या जो है उनसे जाके लिखवा के लाएं कि आप नहीं ले पा रहे हैं या आपको नहीं मिल पा रहा है। दाल भात केंद्रों में लाभुकों को दाल भात ऐप्स के माध्यम से भोजन, और जो दाल भात ऐप है जिसमें आपको डेली का दाल भात योजना जो है, दाल भात ऐप्स के माध्यम से भोजन और ऑफलाइन डीलर को ऑनलाइन में परिवर्तन करना, जो भी ऑफलाइन काम हो रहा था उन सबको अब ऑनलाइन में कन्वर्ट किया जाएगा। तो ये जो पखवाड़ा चला था कब से कब चला था, 1 से 14 फरवरी के बीच चलाया गया था, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका ब्रांडिंग नेम है, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने वीर शहीद सिद्धू कानू के नाम से सिद्धू कानू कृषि एवं वन उत्पाद संघ का निर्माण किया है। इसमें जो सिद्धू कानू थे उनके नाम से अब जो फॉरेस्ट प्रोडक्ट है उनके नाम से बनेगा, जिसके तहत राज्य की सभी किसानों जितने भी फार्मर्स है और वन जो फॉरेस्ट प्रोडक्ट संग्रहक है, जो वनों में जो भी उगता है उसको जो बेचते हैं या जो उसको संग्रहण करते हैं, उनके लिए विकास के कार्यों को आगे बढ़ाने की योजना तय की गई है। एक प्लान बनाया जा रहा है जिससे भी जो भी छोटे किसान हैं या जो छोटे मोटे जो जैसे कि बांस हुआ, बांस का टोकरी बनाना, सूप बनाना, तो जो छोटे मोटे जंगल पे जो प्रोडक्ट्स जो बनता है उन सब के लिए क्या एक योजना तैयार की गई है। मुख्यमंत्री के निर्देश के तहत पलास ब्रांड की तरह जैसे एक पलास ब्रांड बनाया था उसी तरीके की तरह सिद्धू कानू कृषि एवं वन उत्पाद संघ के विभिन्न उत्पादकों को बाजार तक पहुंचाने की जिम्मेदारी निभाई जाएगी। तो जैसे कि एक पलास ब्रांड के बारे में आप पढ़े हैं उसी तरीके का एक अलग ब्रांड नेम बनाया जाएगा, एक ब्रांडिंग किया जाएगा किनके नाम पे, शहीद सिद्धू कानू के नाम पे, उनके नाम पे कृषि एवं वन उत्पाद जितने भी एग्रीकल्चर और फॉरेस्ट प्रोडक्ट है उनके नाम पे एक ब्रांड नेम बनेगा। और उसका कार्य क्या होगा, उसका काम होगा खाद्य जो उत्पाद है उनको जिम्मेदारी से मार्केट तक पहुंचाना। इसका मूल उद्देश्य जिले के सभी लैब्स पैक को उचित बाजार तक पहुंचाना, क्षमता निर्माण प्रसंस्करण एवं मजबूत ब्रांड को खड़ा करना, मतलब उसका कंजर्वेशन करना, उसको कैसे जो प्रोडक्ट बना है उसको कैसे मार्केट तक पहुंचाना है, मार्केट जाते जाते वो प्रोडक्ट सड़ ना जाए, गल ना जाए, इसी तरीके से प्रिजर्वेटिव ऐड करना, तो ये सारा काम करना और सिद्धू कानू का ब्रांड नेम बनाना, ठीक है। सिद्धू कानू कृषि एवं वन उत्पाद संघ में त्रिस्तरीय संरचना का गठन किया जा रहा है, थ्री स्ट्रक्चर का गठन किया जा रहा है, पंचायत स्तर पर लैब्स पैक, जिला स्तर पर और राज्य स्तर पर, थ्री स्टेज में डिवाइडेड है। पंचायत स्तर पर जैसे आप पंचायती राज में पढ़ते हैं पंचायत स्तर पर है, जिला संघ जिला परिषद जो जिला संघ पे है, और जो लास्ट है वो है राज्य स्तर पर। तो ये सिद्धू कानू का ब्रांड नेम बनाया जाएगा सेम एज जैसे पलास का ब्रांड नेम बनाया गया है। नेक्स्ट पॉइंट है कि जैसे आप एक दूसरे से मिलते हैं तो हम लोग क्या नमस्ते नमस्कार या गुड इवनिंग गुड नाइट गुड मॉर्निंग ये बोलते हैं, लेकिन अब से झारखंड में क्या बोला जाएगा, राज्य सरकार के सभी कार्यक्रम में जो भी गवर्नमेंट का जो भी काम होगा या जो गवर्नमेंट का जो भी ऑफिस होगा वहाँ पे अब कोई भी काम स्टार्ट करने से पहले आप नमस्कार प्रणाम जय हिंद ये नहीं बोलना है, आपको बोलना है जौहार बोला जाएगा। राज्य सरकार के सभी कार्यक्रम में अब जौहार से शुरू होंगे। सरकार द्वारा आयोजित सभी सरकारी समारोह में अब अतिथियों का अभिवादन जौहार से किया जाएगा। जो भी आपके गेस्ट आएंगे या जो भी सेमिनार होगा या जो भी जैसे कि मिनिस्टर कहीं पे भाषण दे रहे हैं तो स्टार्टिंग क्या बोलेंगे, जौहार शब्द बोला जाएगा। मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी के प्रधान सचिव अजय कुमार सिंह ने निर्देश जारी किया है। इसके लिए निर्देश जारी कर दिया गया है कि आप सभी को अब सिर्फ जौहार बोल के ही अभिवादन करना है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका अमृत फार्मेसी इन रिम्स हॉस्पिटल।
रिम्स में अब गंभीर बीमारी के मरीजों को सस्ती दवाएं उपलब्ध कराई जाएगी। जितने भी सीरियस क्रोनिक डिजीज है उनके लिए जो चीप एंड बेस्ट मेडिसिन है वो अवेलेबल कराया जाएगा। इसके लिए रिम्स परिसर में अमृत अफोर्डेबल मेडिसिन एंड रिलायबल एम्प्लॉयमेंट्स फॉर रीट्रीटमेंट फार्मेसी की शुरुआत की जा रही। इसमें कौन कौन से डिजीज का मेडिसिन मिलेगा आपको? किडनी, हार्ट, न्यूरोसर्जरी, कैंसर सहित अन्य बीमारियों के मरीज को सस्ती दवाएं मिलेगी। तो जितने भी किडनी पेशेंट होंगे, हार्ट पेशेंट होंगे, न्यूरो पेशेंट होंगे, इन लोगों को अब चीप एंड बेस्ट मेडिसिन प्रोवाइड किया जाएगा। रिम्स स्टोर के नोडल पदाधिकारी डॉक्टर राकेश ने बताया कि भारत सरकार की स्वामित्व वाली एजेंसी HLL के जरिए रिम्स के अमृत फार्मेसी का संचालन किया जाएगा। तो ये किस नाम से जाना जाएगा? अमृत फार्मेसी के नाम पे। नेक्स्ट पॉइंट है आपका 6 फोरलेन इंटरनेशनल। झारखंड में 6 फोरलेन इंटरनेशनल हाईवे जो होता है वो बनाया जाएगा। वो आपको देखना है, याद कर सकते हैं तो बहुत अच्छा, क्योंकि आपके मेंस के पर्पस से इम्पॉर्टेंट। इतना डिटेल एनालिसिस मतलब आंसर राइटिंग आपको मेंस में जैसे ज्योग्राफिक या इकोनॉमिक ऑफ झारखंड जब आता है तब ये सब पॉइंट इम्पॉर्टेंट है। ये चीज़ आप इकोनॉमिक सर्वे ऑफ झारखंड जो है और बजट जो है उसमें भी आप ये सब चीज़ को रिपीट कर पाएंगे। तो आप यहाँ पे एक बार देख लीजिए इसमें क्या इम्पॉर्टेंट है। झारखंड के औद्योगिक एवं पर्यटन क्षेत्रों के विकास को लक्ष्य बनाकर कॉरिडोर बनाने की योजना तैयार की गई है। इसके अंतर्गत राज्य पथ निर्माण विभाग द्वारा 4 लेन वाले 6 कॉरिडोर बनाए गए हैं। कितने बनाए गए हैं? 6 बनाए गए हैं। विदित है कि 4 लेन वाले यह सभी कॉरिडोर अंतर्राष्ट्रीय स्तर के हाईवे होंगे, ये इंटरनेशनल लेवल का हाईवे होगा। साथ ही इन कॉरिडोर को बनाने से राज्य के अंदर यात्रा करने वालों को कम समय और कम दूरी तय करनी पड़ेगी। मतलब जो विद इन द स्टेट ट्रैवल कर रहे हैं उनको कम डिस्टेंस और कम टाइम में, लिमिटेड टाइम में आप एक जगह से दूसरे जगह पहुंच जाएंगे। सभी कॉरिडोर को DPR तैयार करने के लिए राज्य पथ निर्माण विभाग अनुभवी और तकनीकी रूप से दक्ष कंसल्टेंट की जिम्मेवारी जितने भी किनको दिए जा रहा रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो इंजीनियर हैं और जो विभागीय अनुभवी और तकनीकी रूप से जितने भी टेक्निकल और इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट है उनको यह रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया गया है। सभी कॉरिडोर जो अलग अलग रूपे से लोगों की सुविधा उपलब्ध कराएंगे। तो 6 कॉरिडोर बनाया जा रहा है जो एक डिस्टेंस और टाइम को कम करेगा, एक हाईवे से दूसरे हाईवे तक बहुत ईजिली और कम टाइम में जाया जा सकेगा। तो पहला है आपका ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर। ईस्ट से लेके वेस्ट तक आप जा सकते हैं। ये कितने किलोमीटर का है? 393 किलोमीटर का है। कहाँ से कहाँ तक है? मूडी सेमर से चतरा है। ये कहाँ कैसे ट्रेवल करेगा? मूडी सेमर से चतरा, चतरा से बरही, बेंगाबाद मधुपुर, फिर सारठ, पालाजोरी होते हुए दुमका तक। तो कहाँ से कहाँ तक है? मुडुसेरी से दुमका तक है। ये कौन सा था? ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर। दूसरा कॉरिडोर है ईस्टर्न कॉरिडोर 121। ईस्टर्न कॉरिडोर 121 कहाँ से कहाँ तक चलेगा? 121 किलोमीटर का। जो पहला था ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर था 393 किलोमीटर का था। तो आपसे ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है कि ईस्ट टू वेस्ट कॉरिडोर कितने किलोमीटर का है? तो वो 393 किलोमीटर का है। और ईस्टर्न कॉरिडोर कितने किलोमीटर का है? 121 किलोमीटर का है। कहाँ से कहाँ तक है? साहेबगंज से जामताड़ा तक है। साहेबगंज से जामताड़ा तक में ये क्या क्या एरिया कवर करेगा? निरसा, सिंदरी, चंदन क्यारी होते हुए चांडिल तक है। नेक्स्ट है आपका नॉर्थ साउथ कॉरिडोर जो कि 275 किलोमीटर का है। ये डिस्टेंस कवर करेगा झुमरी तलैया से NH आतंकडीह तक। ये टोटल 275 किलोमीटर है। झुमरी तलैया से NH 2 पर जाएगा, ये नेशनल हाईवे 2 पर तक जाएगा। क्या क्या डिस्टेंस कवर करेगा? विष्णुगढ़, पेटरवार, कसमार, बरलंगा, सिल्ली, सरायकेला, चायबासा से होते हुए जैतगढ़ होते हुए ओडिशा की सीमा तक जाएगा। मतलब ये झारखंड टू ओडिशा तक कनेक्ट करेगा। नेक्स्ट आपका आता है चौथा जो है सेंट्रल कॉरिडोर जो कि 140 किलोमीटर का है। रांची से बूढ़म जाएगा, टंडवा, चतरा, हंटरगंज होते हुए डोभी जो गया तक है, डोभी बिहार तक की सीमा तक जाएगा। तो ये टोटल 140 किलोमीटर का है जो कि रांची से डोभी बिहार तक की सीमा को कवर करेगा। नेक्स्ट है आपका सेंट्रल कॉरिडोर, ये 270 किलोमीटर का है। पहला वाला 140 किलोमीटर था,
ये 270 किलोमीटर कहाँ से कहाँ तक जाएगा? मिलन चौकसिल्ली रंगामाटी रोड से सारज डी तमाड़ खूंटी गोविंदपुर घगरा नेतरहाट सरयू लातेहार हेरगंज बालूमत से होते हुए चमा मोड़ तक जाएगा। नेक्स्ट है आपका होली टूरिस्ट कॉरिडोर, 170 किलोमीटर तक है ये, रांची से ओर मांझी तक। ये क्या क्या डिस्टेंस कवर करेगा? गोला राजरप्पा डुमरी गिरिडीह से होते हुए देवघर तक जाएगा। यह लाल लुगुबुरु पारसनाथ और बाबा धाम को आपस में जोड़ेगा। किस किस को जोड़ेगा? लुगुबुरु पारसनाथ और बाबा धाम को। तो ये था 6 फोर लेन। ये आपको अगर आप याद कर सकते हैं कि कितना कितना किलोमीटर कवर कर रहा है तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं। नेक्स्ट आपका आ जाता है झारखंड में जो लास्ट ईयर कितने फेमस पर्सन थे, कौन कौन से पर्सन फेमस हुए थे लास्ट ईयर, ड्यूरिंग लास्ट ईयर में, वो आपको देखना है। तो पहले आ जाते हैं कंचन उगुरसंडी। ये कहाँ के हैं? ये सरायकेला निवासी हैं। कंचन ने दुनिया की सबसे ऊंचाई पर बने सड़क उमलिंगा की यात्रा बाइक से पूरी की है। ये सबसे जो मैक्सिमम हाइट है जो कि बाइक से कवर किए हैं, कहाँ पर ये बना है? सबसे ऊंचाई पर बनी सड़क जो हाईएस्ट पीक है रोडवेज का, उसके ऊपर ये जगह का नाम है उमलिंगा। यात्रा कैसे पूरी की? ये बाइक से गए हैं और विश्व के इकलौते सोलो ड्राइवर बनने का गौरव प्राप्त किया है और इनके नाम पे वर्ल्ड रिकॉर्ड हो गया है क्योंकि ये सोलो ड्राइव करते हुए गए हैं। तो इनका नाम क्या है? कंचन उगुरसंडी। कहाँ के? ये सरायकेला के हैं। तो आपको याद रखना है कहाँ के हैं? सरायकेला के हैं। इनका नाम है कंचन उगुरसंडी और इनके नाम पे वर्ल्ड रिकॉर्ड है। वर्ल्ड रिकॉर्ड क्या है कि ये सोलो ड्राइव करके सबसे ऊंची सड़क जो है उमलिंगा पर बाइक से ट्रेवल करके गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके ऋषि दिव्य कीर्ति। बोकारो के ऋषि दिव्य कीर्ति ने पर्यावरण दिवस के अवसर पर, इन्वायरमेंट डे कब होता है? 5 जून को, ठीक है। तो पर्यावरण दिवस के अवसर पर केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय की राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन द्वारा आयोजित गंगा क्वेस्ट 21 में विश्व को 113 देशों के प्रतिभागियों के बीच प्रथम स्थान प्राप्त किया है। तो ये क्यों इम्पोर्टेंट है? ऋषि दिव्य कीर्ति ने, ये बोकारो जिला से हैं, बोकारो डिस्ट्रिक्ट के हैं और पर्यावरण दिवस जो 5 जून था उस दिन इनको अवार्ड दिया गया। और अवार्ड किस चीज़ के लिए दिया गया? केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय की राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन द्वारा, जो जल शक्ति मिशन चल रहा उसमें जो राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन द्वारा आयोजित किया गया था गंगा क्वेस्ट 21, इसमें विश्व के 113 देशों में ऑल टोटल 113 कंट्रीज पार्टिसिपेट किया था, जिसमें इनको फर्स्ट पोजिशन मिला है। तो इनका फर्स्ट रैंक है। इनका नाम क्या? ऋषि दिव्य कीर्ति। तो नाम याद रखना। और ये कहाँ के हैं? अभी तो दिया हुआ कि बोकारो के हैं, ये तो आपको डिस्ट्रिक्ट का नाम याद रखना। बोकारो के ऋषि दिव्य कीर्ति को जल संरक्षण जल शक्ति मंत्रालय की तरफ से प्रथम स्थान प्राप्त किया है, ठीक है। नेक्स्ट फेमस पर्सन है हेमंत सोरेन। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने हावर्ड इंडिया कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया। बरहेट एवं दुमका विधानसभा क्षेत्र में जनप्रतिनिधि के रूप में उत्कृष्ट कार्य हेतु चैंपियनशिप ऑफ चेंज अवार्ड 2019 से सम्मानित किया गया। इनको 2019 में सम्मान दिया गया था। क्यों दिया गया था? क्योंकि ये बरहेट और दुमका दो जगह के विधानसभा क्षेत्र से सेलेक्ट हुए थे जनप्रतिनिधि के रूप में उत्कृष्ट कार्य के लिए। इनको चैंपियन ऑफ चेंज अवार्ड दिया गया था। ये इनको 2019 में दिया गया था चैंपियन ऑफ चेंज अवार्ड। झारखंड विधानसभा चुनाव परिणाम 2019 के बाद 29 दिसंबर 2019 को हेमंत सोरेन ने राज्य के 11वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली थी। ये 11th CM बने हैं झारखंड के। कब बने थे? 29 दिसंबर 2019 को। यह दुमका एवं बरहेट ये दोनों विधानसभा क्षेत्र से जीते थे। दुमका एवं बरहेट विधानसभा क्षेत्र से निर्वाचित हुए थे। बाद में इन्होंने दुमका सीट से इस्तीफा दे दिया था। दो जगह से सेलेक्ट हुए थे लेकिन इन्होंने एक बार से एक जगह से इस्तीफा दे दिया। नेक्स्ट फेमस पर्सन है छुटनी देवी। सरायकेला क्षेत्र की महिला, इन्हें डायन प्रथा के खिलाफ उत्कृष्ट कार्य हेतु पद्मश्री अवार्ड 2021 से दिया गया है।
तो जितने भी पद्मश्री अवार्ड 2000 से लेकर 2022 तक के लोगों को मिले हैं या 23 तक के लोगों को दिए गए हैं, वो सभी आपके लिए इम्पॉर्टेंट हैं। तो आप जितना भी पद्मश्री अवार्ड, पद्मश्री, पद्म विभूषण, पद्म विभूषण, भारत रत्न जितने भी दिए गए हैं, वो आपको पूरा याद रखना है। तो सरायकेला क्षेत्र की कौन है, ये छुटनी देवी हैं, जिनको डायन प्रथा के खिलाफ इन्होंने कार्य किया था, उसके लिए इनको पद्मश्री दिया गया था। पद्मश्री इनको कब दिया गया था, 2021 में। नेक्स्ट फेमस पर्सन है हफीजुल हसन अंसारी, झारखंड के दिवंगत मंत्री हाजी हुसैन अंसारी के पुत्र हैं। ये हफीजुल हसन अंसारी को झारखंड राज्य के मंत्री परिषद में शामिल किया गया है, इनको कैबिनेट मिनिस्ट्री में डाला गया है। ये बिना विधानसभा सदस्य बने मंत्री बनने वाले झारखंड के दूसरे व्यक्ति है। मतलब ये विधानसभा के सदस्य नहीं थे, लेकिन ये मंत्री बनने वाले कैसे मंत्री हैं, दूसरे मंत्री हैं। मधुपुर उपचुनाव जीत कर ये झारखंड विधानसभा के सदस्य बने। उपचुनाव हुआ था बाद में मधुपुर में, वहाँ पर ये जीते, तब ये विधानसभा के सदस्य बने हैं। तो इनका नाम क्या है, हफीजुल हसन अंसारी, नाम याद रखना है आपको। नेक्स्ट फेमस पर्सन है हीरामन कोरबा, झारखंड के गढ़वा जिले के हैं। ये हीरामन कोरबा ने 12 वर्ष की कड़ी मेहनत से कोरबा भाषा का शब्दकोश तैयार किया है। ये कहाँ के हैं, गढ़वा जिले के हैं। इन्होंने डिक्शनरी बनाई है कोरबा भाषा में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात कार्यक्रम में इनकी सराहना की है। मन की बात जो होती है प्रधानमंत्री के द्वारा, उन्होंने इनका नाम दिया और उनकी इनका अप्रेस किया है कि इन्होंने कोरबा भाषा में एक डिक्शनरी बनाया गया है। तो इनका नाम क्या है, हीरामन कोरबा। नेक्स्ट है सविता कुमारी, ये फेमस पर्सनालिटीज है झारखंड की। रांची जिले की सविता कुमारी भारतीय तीरंदाज हैं। क्या है, ये शूटर आर्चर हैं ये। हाल ही में उन्हें राष्ट्रीय बाल पुरस्कार प्रदान किया गया है, इनको राष्ट्रीय बाल पुरस्कार भी दिया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सविता से सीधे संवाद करते हुए उन्हें बधाई दी। नरेंद्र मोदी इन्हें डायरेक्ट कॉन्ग्रेचुलेट किए हैं, इनसे बात किए हैं। तो ये कौन है, सविता कुमारी है, कहाँ की है, ये रांची जिले से है। नेक्स्ट फेमस पर्सन है कामदेव पान, ये भी सरायकेला खरसावा जिले के हैं। सरायकेला खरसावा जिले के बसुरदा गांव के निवासी हैं ये। कामदेव पान ने बैटरी चलित बाइक तैयार की है। इनका काम क्या है, इन्होंने बैटरी चलित मतलब बाइक जो बैटरी से चलता है वो बनाया है। मुख्यमंत्री द्वारा इनकी प्रशंसा की गई, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने इनकी प्रशंसा की है। नाम क्या है इनका, कामदेव पान। नेक्स्ट पार्ट में हम लोग आते हैं, नेक्स्ट पार्ट है महत्वपूर्ण पुरस्कार 2022-23 के अंदर जितने भी फेमस अवार्ड्स हैं उसके बारे में आपको पढ़ना है। पहला अवार्ड है निनाद सम्मान। 2020 में पद्मश्री एवं 2011 में झारखंड रत्न से सम्मानित नागपुरी भाषा के प्रसिद्ध गायक मधु मंसूरी हंसमुख को कोलकाता की संस्था नीलाम्बर द्वारा यह पुरस्कार दिया गया है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, क्यों इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ये झारखंड रत्न से सम्मानित है। इनको 2011 में झारखंड रत्न से सम्मानित किया गया और 2020 में पद्मश्री दिया गया है। ये नागपुरी भाषा के प्रसिद्ध गायक हैं। किस भाषा में गाते हैं, नागपुरी भाषा में। इनका नाम क्या, मधु मंसूरी हंसमुख को कोलकाता की संस्था नीलाम्बर द्वारा यह पुरस्कार दिया गया। तो कहाँ के गवर्नमेंट ने दिया है, वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट ने इनको ये पुरस्कार दिया गया। पुरस्कार का नाम क्या, निनाद सम्मान। नेक्स्ट है आपका राष्ट्रपति वीरता पदक। राष्ट्रपति वीरता पदक किसको दिया गया है, रांची की है ये, रांची की डीएसपी नवीन कुमार लकड़ा, रांची के डीएसपी थे ये नवीन कुमार लकड़ा को राष्ट्रपति वीरता पुरस्कार दिया गया है। नेक्स्ट है आपका इम्पोर्टेंट पोर्टल। तो जो इम्पोर्टेंट पोर्टल है उसके बारे में आपको पढ़ना है। पहला पोर्टल है आपका रेरा ऑनलाइन पोर्टल, ये आप कल या इससे पहले के वीडियो में भी देख चुके हैं। झारखंड मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन द्वारा झारखंड भू संपदा नियामक प्राधिकार रेरा के पोर्टल का ऑनलाइन उद्घाटन किया गया। इस पोर्टल में प्रोजेक्ट रजिस्ट्रेशन के साथ साथ संबंधित शिकायतकर्ते एवं उनके निपटारों का प्रावधान किया गया। इसमें जो भी आप कंप्लेन है वो आपको ऑनलाइन सॉल्व किया जाता है। और ये किस चीज़ से रिलेटेड है, भू संपदा नियामक
प्राधिकार रेरा के पोर्टल का ऑनलाइन उद्घाटन है। नेक्स्ट है आपका sports.jharkhand.gov.in, ये भी आपका ऐप है, पोर्टल है आपका। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने झारखंड खेल विभाग की वेबसाइट और खिलाड़ियों के लिए पोर्टल की शुरुआत की है। निदेशालय में वेबसाइट की खेल की सारी गतिविधियों और स्टेडियम और खेल की योजनाओं के साथ स्टार खिलाड़ियों की जानकारी भी उपलब्ध रहेगी। इसमें क्या है, झारखंड sports.jharkhand.gov.in, इसमें जो है आपका झारखंड से जितना गेम है, कौन कौन सा प्लेयर है और उनको कौन सा अवार्ड दिया गया, वो कब से कब तक खेले, कौन से गेम से रिलेटेड है, ये सारा इन्फॉर्मेशन आपको इस पोर्टल पर मिल जाएगा। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है आपका महत्वपूर्ण योजनाएं ड्यूरिंग 2022-23, कौन कौन सा झारखंड में महत्वपूर्ण योजना आया है उसके बारे में आपको पढ़ना है। पहला है आपका आल्पिन योजना, यूनिक लैंड पार्सल आइडेंटिफिकेशन नंबर। झारखंड सरकार जमीन के हर प्लॉट को यूनिक आईडी नंबर प्रदान करने हेतु इस योजना की शुरुआत की गई है। इसमें झारखंड में जितने भी प्लॉट हैं, जितने भी प्लॉट डिवाइड किए गए हैं, उस प्लॉट में एक यूनिक नंबर दिया जाएगा, यूनिक लैंड पार्सल आइडेंटिफिकेशन नंबर, यूनिक नंबर दिया जाएगा जिससे कि ये प्रॉपर्टी किसका है उसका आइडेंटिफाई किया जा सके। आल्पिन को जमीन मालिक के आधार पर नंबर से लिंक किया जाएगा, तो आल्पिन का जो नंबर है, कौन सा इसका जमीन मालिक है, इनका खदियान के अकॉर्डिंग उनको ये नंबर दिया जाएगा। नेक्स्ट है आपका आत्मनिर्भर भारत अभियान। भारत सरकार ने आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत 116 जिलों में से झारखंड के 3 आकांक्षी जिले हजारीबाग, गिरिडीह और गोड्डा का भी चयन किया है। जो आत्मनिर्भर भारत अभियान था उसमें टोटल 116 डिस्ट्रिक्ट जो चुने गए थे, उसमें से 3 जो आकांक्षी जिले झारखंड के थे वो कौन कौन से हैं, हजारीबाग, गिरिडीह, गोड्डा। तो आपको ये याद रखना है कि कौन से 3 डिस्ट्रिक्ट को आत्मनिर्भर भारत की श्रेणी में, जो ऑल टोटल 116 डिस्ट्रिक्ट था उसमें चुना गया, तो कौन कौन सा था, हजारीबाग, गिरिडीह और गोड्डा। ठीक है, ये आपका फेमस क्या था, योजना था। तो जो जिन लोगों ने भी पहले के वीडियोस नहीं देखे करंट अफेयर के, वो अपने आधार आईसीएस के यूट्यूब पे चाहिए, और जितने भी पुराने वीडियोस है करंट अफेयर रिलेटेड या झारखंड एसएससी का जो प्रैक्टिस सेट है, 15 सेट्स दिया हुआ है, आप उसको जाके प्रैक्टिस कर सकते हैं विद इन गिवन टाइम पीरियड में, कि आपको 2 घंटे में 150 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, आप उसमें जाके प्रैक्टिस कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। और जिस भी पोर्शन में आपको प्रॉब्लम हो रहा है उसके लिए आप कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कर सकते हैं, जैसे कि आपको जीएस से कोई प्रॉब्लम है या साइंस में प्रॉब्लम है, मैथ्स रीजनिंग कोई भी टॉपिक है या फिर कंप्यूटर रिलेटेड प्रॉब्लम है, तो जिस पोर्शन में आपको प्रॉब्लम है आप उसमें क्वेरी कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, और जितने भी सेक्शंस दिए हुए हैं आप उसको रिवाइज कीजिए, बार बार देखिए, और करंट अफेयर सेक्शन को बार बार देखिए जितने भी वीडियोस है। और पेपर 2 के लिए जिन लोगों का संस्कृत लैंग्वेज जिन लोगों ने रखा है उनके लिए भी इम्पॉर्टेंट 40 क्वेश्चन डेली डिस्कस हो रहे हैं, आप अगर वो जो 40 क्वेश्चन है डेली उसको देखते हैं तो उसमें एटलीस्ट आपके जो क्वालिफाइंग क्राइटेरिया है कि आपको 30% मार्क्स लाना है, जैसे कि 100 क्वेश्चंस है, 100 क्वेश्चंस में आपको कम से कम 20 से 30 क्वेश्चंस तो उस टॉपिक से, उस जो वीडियो चल रहा है संस्कृत का, उसमें आप वो वीडियो से कवर कर सकते हैं। तो जिन लोग का संस्कृत लैंग्वेज है या आप लोग में से किसी फ्रेंड का भी संस्कृत लैंग्वेज है तो आप वो लिंक उनको शेयर कर सकते हैं। और जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं और कमेंट कर सकते हैं। और आपके फ्रेंड रिलेटेड जो भी हैं, किसी का संस्कृत हो या कोई, अगर आप दूसरे स्टेट के हैं और झारखंड के नहीं है, फॉर्म फिलअप नहीं किया, तो किसी से ये लिंक शेयर भी कर सकते हैं। नेक्स्ट आपका आता है स्मरणीय नीतियाँ। झारखंड में 1 साल के अंदर कौन कौन सी स्मरण नीतियाँ हैं वो आपको एक बार देखना पड़ेगा। पहला है झारखंड खाद्य प्रसंस्करण उद्योग नीति, ये उद्योग नीति है जो कि 2015 में आया था। इस नीति का उद्देश्य झारखंड में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग को बढ़ावा देना, जो फूड इंडस्ट्री है उसको प्रमोट करने के लिए नीति आया था। ये कब आया था, 2015 में। तो अभी मैंने आपको क्या बोला कि करंट अफेयर सिर्फ 1 साल का करंट नहीं होता है, जब स्टेट में कंटिन्यू एग्ज़ाम नहीं हो रहा, जैसे कि आप यूपी देखिए उसमें क्या होता है, हर साल एग्ज़ाम कंडक्ट होता है, लेकिन हम लोग के झारखंड में क्या होता है, वैकेंसी आता है, वैकेंसी का फॉर्म 3 बार आ जाता है लेकिन कोई भी एग्ज़ाम कम्प्लीट ही
विद इन गिवन टाइम पीरियड में एक साल में कंप्लीट नहीं होता है, तो इससे स्टूडेंट को क्या प्रॉब्लम हो जाता है, करंट अफेयर का जो सेक्शन है हर साल बढ़ता चला जाता है। अब यही वैकेंसी जो 2016 में आई थी, अब जाके अगर इसका एग्ज़ाम हो जाता है अक्टूबर में, तो 2016 या 15 से लेके अब तक का जो भी झारखंड में इवेंट हुआ है वो सब आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो गया। तो आपका सिलेबस कितना बढ़ गया पढ़ने को, 2016 से भी आप काउंट करेंगे तो 2016 से 23 तक अक्टूबर तक का आपको सारा कुछ अपडेट करना पड़ेगा। साथ साथ जो झारखंड स्पेशल है, झारखंड स्टेट का स्पेशल चीज़ जो है वो भी आपको पढ़ना पड़ेगा। तो एग्ज़ाम कंटिन्यू नहीं हो पा रहा है इसलिए आपका जो सिलेबस अपने आप बढ़ता जा रहा है। तो आप सोचेंगे कि 10 क्वेश्चन के लिए इतना लंबा क्यों पढ़े, तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा क्योंकि एग्ज़ाम कंटिन्यू नहीं हो रहा है। तो एटलीस्ट आपको एक बार दो बार रिविज़न झारखंड का जो भी फैक्ट्स है, करंट अफेयर है, उसको देखना पड़ेगा। और ये 2016-15 या 2001-2002-2003 में जो भी प्रोग्राम्स झारखंड गवर्नमेंट के थ्रू आया है वो सबको एक बार रिविज़न करके जाना पड़ेगा। तो ये जो आपका फूड उद्योग नीति था, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग नीति कब आया था, 2015 में आया था। किस लिए आया था, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री को बढ़ावा देने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट आपका है 2016 में आया है झारखंड में स्थानीयता नीति, जो डोमिसाइल वाला प्रॉब्लम, जो खतियानी सिस्टम चलता है, वो नीति कब आया था, 2016 में। इसका एम क्या था, इसके उद्देश्य राज्य सरकार में नौकरियों में स्थानीय लोगों की हितों की रक्षा करना। जो स्थानीय लोग हैं, जो पहले से 1932 खतियानी जो फॉलो करते हैं, तो जो स्थानीय लोग हैं उनके हित की रक्षा के लिए, मतलब जो पहले से झारखंड में रह रहे हैं, ऐसा नहीं कि 2000 के बाद के हैं, जो पहले से झारखंड में रह रहे हैं उनके जॉब में रिजर्वेशन देने के लिए यह नीति आया था। इस नीति के तहत झारखंड में निवास करने वाले 30 वर्ष से अधिक अवधि वाले झारखंडी होंगे। इस नीति में क्या आया कि जो भी झारखंड में, ऐसा नहीं कि 1932 वाले या 1901 वाले झारखंड में रह रहे हैं, जो 30 साल से झारखंड में रह रहे हैं वो सब इसमें आएंगे और उन सबको रिजर्वेशन का फायदा मिलेगा। तो स्थानीय नीति कब आई थी, 2016 में। नेक्स्ट है वामपंथी उग्रवादियों के सरेंडर एवं पुनर्वास हेतु नई नीति। जो वामपंथी थे उनको फिर से रिहैबिलिटेशन करने के लिए एक नीति आई थी जो कि 2016 में आई थी, वो भी इम्पॉर्टेंट है आपका। वामपंथी उग्रवाद में सरेंडर करने की प्रवृत्ति उदासीनता को देखते हुए 2009 में कानून में इसके तहत प्रभावशाली संशोधन किए गए ताकि नक्सली अटैक को आसानी से सरेंडर रोका जा सके। तो 2016 में ये रूल आया, इससे पहले 9 में आया था। तो 9 में क्यों आया था, जितने भी नक्सलाइट थे या जो वामपंथी थे उनको मेन स्ट्रीम में जोड़ने के लिए कि वो फिर से अपने लाइफ को रेगुलर लाइफस्टाइल रेगुलर कर पाए। तो वामपंथी उग्रवाद में सरेंडर करने की प्रवृत्ति, इनको सरेंडर करा के जैसे जो आम लोग रह रहे हैं उनको लाने के लिए एक कानून आया था 2009 में। तो 2009 वालों को संशोधित करके 2016 में पुनर्वास हेतु नई नीति का निर्माण किया गया, ठीक है। ये क्यों किया गया था, ताकि नक्सली जो थे आसानी से सरेंडर कर सके, नक्सलाइट्स लोग के लिए किया गया था। नेक्स्ट पोर्शन आपका आता है चर्चित स्थल, कौन कौन से फेमस प्लेस हैं वो आपको देखना है। पहला है आदित्यपुर। आदित्यपुर में स्थित इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर को पूर्वी भारत में निवेश का सबसे बड़ा गेटवे बनाने के तहत 500 करोड़ रुपये का निवेश किया गया है। इसमें 500 करोड़ का निवेश किया गया, क्यों किया गया है ये इलेक्ट्रॉनिक एंड मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर है जो कि ईस्टर्न इंडिया का सबसे बड़ा गेटवे बनाने, मतलब ईस्टर्न इंडिया में सबसे बड़ा गेटवे बनाने के लिए आदित्यपुर में ये इन्वेस्टमेंट किया गया है। कितने का इन्वेस्टमेंट है ये, 500 करोड़ रुपीज़ का इन्वेस्टमेंट है इस औद्योगिक क्षेत्र में। इसमें क्या होगा, 82 एकड़ भूमि पर क्लस्टर बनाया जाएगा और इस क्लस्टर में क्या क्या फैसिलिटीज़ होगा, टेस्टिंग सेंटर होगा, ट्रेड पवेलियन होगा, वेयर हाउस होगा, ट्रक पार्किंग, स्कूल, शॉपिंग मॉल, हेल्थ सेंटर, ये सारा फैसिलिटीज़ होगा। तो ये कहाँ पे होगा, आदित्यपुर में। ऑल टोटल 500 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया जा रहा है इसमें और इसमें 82 एकड़ लैंड है जिसमें क्लस्टर बनाया जाएगा, जिसमें कि ट्रेडिंग सेंटर, ट्रेड पवेलियन, वेयर हाउस, ट्रक पार्किंग, स्कूल, शॉपिंग मॉल, हेल्थ केयर सेंटर, ये सारा फैसिलिटीज़ दिया जाएगा। नेक्स्ट एंड लास्ट सेक्शन है आज के आपका फेमस बुक्स। तो
तो डेली हम लोग करंट अफेयर सेक्शन में फेमस बुक्स एंड ऑथर्स पढ़ रहे हैं, उसमें अगर जो भी ऑथर्स को कुछ अवार्ड से सम्मानित किया गया है तो आप वहीं पे नोट डाउन कर लिए कि इनको कौन सा अवार्ड दिया गया है या ये किन लैंग्वेज में इनका बुक है, या कोई बुक का लाइन इंपॉर्टेंट है तो आप वो भी मेंशन कर सकते हैं। तो पहला बुक्स है लम्हों की खता, ये किसने लिखा है? सरयू राय ने, लम्हों की खता, सरयू राय। दूसरा बुक है झारखंड में विद्रोह का इतिहास, ये किनके द्वारा लिखा गया है? शैलेंद्र महतो। झारखंड में विद्रोह का इतिहास, शैलेंद्र महतो। नेक्स्ट बुक है व्हाट अ लूजर, ये किन इनके ऑथर कौन है? पंकज दुबे। व्हाट अ लूजर, पंकज दुबे। नेक्स्ट बुक है समथिंग लाइक लव, ये कौन लिखे हैं? ज्ञान सिंह। समथिंग लाइक लव, ज्ञान सिंह। नेक्स्ट बुक है जंगल तंत्रम, डॉक्टर श्रवण कुमार गोस्वामी। तो जितने भी बुक्स हैं आप बुक को एक साइड लिखिए, ऑथर्स लिखिए, फेमस अवार्ड जो मिला वो लिखिए, या उनका कोई फेमस लाइन है, या उनके बुक पे कोई मूवी बनाई गई है तो भी आप उसमें लिखिए। तो जितना बुक्स ऑथर्स को आप रिवाइज करेंगे उतना आपको याद रहेगा। इससे आपसे क्वेश्चन मैच द कॉलम देख से भी पूछा जा सकता है, या ये भी पूछा जा सकता है कि ऑथर किस डिस्ट्रिक्ट को बिलोंग करते हैं, किस स्टेट को बिलोंग करते हैं, या इनको कौन सा नेशनल अवार्ड मिला या इंटरनेशनल मिला, या पद्मश्री पद्म विभूषण क्या मिला है। तो नेक्स्ट बुक क्या था? जंगल तंत्रम। इनके ऑथर कौन थे? डॉक्टर श्रवण कुमार गोस्वामी। लास्ट बुक है द सोलफुल जर्नी, ये ऑथर कौन है? प्रोफेसर अनीता शेखर। सोलफुल जर्नी, प्रोफेसर अनीता शेखर। सो दिस कंप्लीट्स आवर करंट अफेयर सेक्शन। थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर चैनल, स्टे ट्यून्ड फॉर लेटेस्ट अपडेट्स।